और हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की चंडीगढ़ में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में बैठक हुई और इस बैठक में बजट सत्र की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले 4 मार्च को दोपहर 3 बजे कांग्रेस के विधायक बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार वैट हटाकर लोगों को महंगाई से राहत दे सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में डोमिसाइल और किसानों के मुद्दे समेत कई विषय उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने रणनीति बना ली है और इस रणनीति के तहत कांग्रेस सदन में सरकार को घेरने का काम करेगी। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, बैठक के बाद बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ है। सर, किस तरह की चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आपने क्या फाइनल रणनीति बनाई है? बहुत लंबे समय तक आपने 2-3 बार प्रयास भी किया राज्यपाल साहब से मिलने का, अब रणनीति क्या कहती है बजट सेशन को लेकर? अब राज्यपाल जी से तो हमने मुलाकात मांगी नहीं, क्यों, अब तो सेशन आ गया तो पहले दिन उनका अभिभाषण होगा, उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा, उसके बाद अबिचड़ी पड़ी जाएंगी और जब भी जैसे बिजनेस स्टार्ट होगा हम अपना विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। इसके सफल होने की कितनी उम्मीद आपको लगती है? कुछ विधायकों के साथ बातचीत जरूर होती होगी, कुछ पत्ते आप पटल पे खोलेंगे, कुछ जो हिंट अभी देना चाहें? नहीं, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन क्योंकि ये सरकार विश्वास खो चुकी है लोगों का और विधायकों का, आपके सामने है, जो आजाद विधायक थे वो भी विड्रॉ कर चुके हैं, जो इंडिपेंडेंट थे, और इनके जो सहयोगी दल के विधायक है रोज बयान आ रहे हैं उनके, तो कुछ बेनकाब भी हो जाएंगे चेहरे, असलियत सामने आ जाएगी। किस तरह के बजट सेशन की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाती रही है, हमलावर रही है? नहीं, हम पूरा इसको देखेंगे, बजट को आंकेंगे, हम उम्मीद है और आशा करते हैं भाई अच्छा बजट लेके आएगी, अच्छा बजट लेके आएगी तो हम सराहना करेंगे और कर्जा ही बढ़ाने का काम करेगी तो उसका विरोध करेंगे हम। एक आखिरी सवाल, तमाम जो विषय हैं, चाहे शराब घोटाले की बात हो, रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, इन तमाम घोटालों की जो SIT थी, SET थी, वो बाहर नहीं आई, अब कांग्रेस की भूमिका होती है कि इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाए, किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि कितने ज्यादा सवाल और कितने ज्यादा घेरने का काम किया जाएगा? पूरा कॉलिंग अटेंशन लेंगे, सवाल पूरा अपना जो है लोगों के जो वो है, लोगों की लड़ाई विधानसभा में लड़ेंगे, हम लोगों ने चुन के भेजे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लड़ेंगे। तो विधानसभा में लड़ाई लड़ी जाएगी लोगों की, और जनता ने जो विधायकों को भेजा है उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए कांग्रेस ने साफ कर दिया है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा। सारी चीजें अभी कैमरे के सामने नहीं बताई जाएंगी, लेकिन जब विधानसभा का सेशन शुरू होगा, बजट सेशन शुरू होगा, तो तमाम रणनीति के साथ, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस इस बजट सेशन में उतरेगी। कैमरामैन अश्विनी मनास के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।